खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। हाथरस कांड मामले में दायर एक जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में हाथरस केस की जांच को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज की निगरानी में किसी बड़ी एजेंसी से कराने की मांग की गई है। इसके अलावा केस के ट्रायल को यूपी में दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे, वकील विशाल ठाकरे और रुद्र प्रताप यादव की ओर से यह याचिका दायर की गई है। इस पिटीशन पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में हाथरस कांड की जांच को सीबीआई एसआईटी से कराने और इसकी निगरानी के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा या पूर्व जज को भी नियुक्त कराने की मांग की गई है। इसके अलावा इस केस को दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार हाथरस कांड के आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रही है, ऐसे में केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाना चाहिए। साथ ही याचिका में पीड़िता के अंतिम संस्कार के तरीके पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो हाथरस केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाथरस कांड में यूपी सरकार ने साजिश का दावा किया था। इस दावे के बाद एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और हाथरस आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच मथुरा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों हाथरस जा रहे थे। इन चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई से बताया जा रहा है। दरअसल मथुरा में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान ये चारों दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी से चेकिंग प्वाइंट पर पहुंचे। इनमें एक मल्लापुरम का रहने वाला है जबकि बाकी मुजफ्फरनगर, बहराइच और रामपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन चारों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए चारों लोगों का संबंध पीएफआई और सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही हाथरस के बहाने माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की खास नजर है। कल ही यूपी सरकार ने दावा किया था कि हाथरस के बहाने प्रदेश में जातीय हिंसा करने की साजिश रची जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश का दावा किया है। तो मथुरा में चारों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली से हाथरस जाते समय ये किए गए थे गिरफ्तार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।